नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की। उच्च सदन में कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्यों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि मैं माननीय मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूँगा। वह 6 बार इस सदन में अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वैचारिक मतभेद कभी बहस में छींटाक्षी वो तो बहुत अल्पकालिक होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय मनमोहन सिंह के योगदान की चर्चा जरूर होगी। पीएम ने आगे कहा कि मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन से हो या उस सदन में हो जो आज है या भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के हो, जिस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमें एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने का प्रयास करना चाहिए। पीएम ने कहा कि मुझे याद है कि उस सदन के अंदर वोटिंग का अवसर था, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बेंच की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन मनमोहन सिंह जी व्हीलचेयर पर आए, नीचे तब की वो तस्वीर देखिए, वोट किया और एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वह उदाहरण है, वह प्रेरक उदाहरण था। कमेटी मेंबर के चुनाव हुए तो वह व्हीलचेयर पर वोट देने आए, सवाल यह नहीं कि वह किसे ताकत देने आए थे। मैं मानता हूँ कि वह लोकतंत्र को ताकत देने आए थे, इसलिए मैं आज विशेष रूप से उनके दीर्घायु होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हमें प्रेरणा देते रहे। मोदी ने कहा कि हो सकता है कुछ लोग आने के लिए जा रहे हों और कुछ लोग जाने के लिए जा रहे हों। पीएम ने कहा कि लोकसभा 5 साल के बाद नए रंगरूप के साथ सज जाती है, लेकिन यह सदन हर 2 वर्ष के बाद नई प्राण शक्ति प्राप्त करता है, एक नई ऊर्जा प्राप्त करता है, एक नए उमंग और उत्साह का वातावरण भर देता है। इसलिए हर 2 साल में होने वाली विदाई एक प्रकार से विदाई नहीं, वो ऐसी स्मृतियों को यहाँ छोड़ कर जाते हैं, वो आने वाली बैच के लिए अनमोल विरासत होती है, जिस विरासत को वे अपने कार्यकाल के दौरान और अधिक मूल्यवान बनाने का प्रयास करते हैं।